मैंने इसको परिभाषित किया था, निश्चित ताप पर यदि किसी पदार्थ की ठोस में द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो तो बाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब उस पदार्थ का बाष्प दाब कहलाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये चैटिंग में लास्ट में डाल गया था, द्रव द्रव बिलियन के लिए बाष्प दाब। आज जो पढ़ाया जा रहा है इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ढंग से समझना, पूरी तरह से समझ पर आधारित है। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है स्टूडेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं, द्रव द्रव बिलियन के लिए बाष्प दाब। सुनिए स्टूडेंट, देखो यहां दो द्रव लिखे हुए हैं, लिख रहे हैं क्या? द्रव द्रव बिलियन, द्रव द्रव बिलियन उसे कहेंगे जिसमें बिलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। द्रव द्रव बिलियन इसका मतलब विलय और विलायक दोनों ही द्रव हैं। ऐसा बिलियन है कोई जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही द्रव हैं, उस बिलियन के लिए हमें बाष्प दाब पढ़ना है, उस बिलियन की बाष्प का दाब पढ़ना है। द्रव द्रव बिलियन के लिए, द्रव द्रव का मतलब समझ गए, ऐसा बिलियन जिसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव हैं और दोनों ही बाष्पशील द्रव हैं, मतलब दोनों ही ऐसे द्रव हैं जिनकी बाष्प बनती है। तो हम क्लियर आगे बढ़ते हैं, दो द्रव हैं, उनका एक बिलियन है और इस बिलियन के लिए बाष्प दाब पढ़ना है। तो यहां एक वैज्ञानिक आता है राहुल, ये राहुल नहीं है, सोच रहे हो कि हमारा पड़ोसी राहुल, राहुल नहीं, राहुल नहीं, राहुल है। तो राहुल क्या कहता है, राहुल के अनुसार, राहुल किसके लिए कहता है, ऐसे बिलियन के लिए जिसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव हैं, मतलब द्रव द्रव बिलियन के लिए। राहुल के अनुसार राहुल क्या कहता है, राहुल कहता है इस बिलियन में उपस्थित किसी अवयव, ठीक है, का आंशिक बाष्प दाब, इस बिलियन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक बाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब, वह उस अवयव की बिलियन में उपस्थित मोल भिन्न के लिए सिंबल दे देता हूं, लिख देता हूं, कि गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली बात तो ये याद करनी है आपको कि द्रव द्रव बिलियन के लिए राहुल का नियम क्या है, राहुल क्या कहता है। राहुल ये कहता है कि बिलियन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक बाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब, वह उस अवयव की बिलियन में उपस्थित मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें कई शब्द आए, आंशिक बाष्प दाब आया, शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब आया। तो हम इन शब्दों को समझते हैं जब ये समझ में आएगा रावले का नियम। आंशिक बाष्प दाब क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई द्रव है, ठीक है, ये कोई द्रव है और ये बाष्प है। अब बाष्प में मान लो दो पदार्थ हैं, ए और बी, और ये दोनों पदार्थ इसकी सतह पर दाब लगा रहे हैं, द्रव की सतह पर। बाष्प में दो पदार्थ हैं ए और बी, जो ए दाब लगा रहा है, जितना दाब ए लगा रहा है, ए मान लो 4 ATM दाब लगा रहा है, 4 ATM दाब लगा रहा है ए, तो ये 4 ATM ए का आंशिक बाष्प दाब है। बी दाब लगा रहा है मान लो 5 ATM, तो ये बी का आंशिक बाष्प दाब है और कुल बाष्प दाब कितना है, 9 ATM द्रव की सतह पर। भाई ये द्रव की सतह है, इसके ऊपर बाष्प है, बाष्प में दो अवयव है ए और बी, ए जितना दाब लगा रहा है ना वो उसका आंशिक बाष्प दाब हो गया,
और बीज जो दाव लगा रहा है वो उसका आंशिक वाष्पदाब हो गया, और कुल दाब कितना लग रहा है, ए का आंशिक वाष्पदाब प्लस बी का आंशिक वाष्पदाब, टोटल 9। तो आंशिक वाष्पदाब का मतलब है एक तरह से किसी अवयव का आंशिक वाष्पदाब क्या होता है, उस अवयव द्वारा लगाया गया वाष्पदाब। सही है, तो ए जितना वाष्पदाब लगा रहा है वो ए का आंशिक वाष्पदाब। तो राहुल कहता है किसी अवयव का आंशिक वाष्पदाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब, शुद्ध अवस्था मतलब समझ गए, शुद्ध अवस्था मतलब जैसे बिलियन में मान लो जैसे एक ही अवयव होता है, ए ही ए, बिलियन में भी ए और ऊपर भी ए, तो इस समय ए जो वाष्पदाब लगा रहा है वो शुद्ध अवस्था में है। शुद्ध अवस्था का मतलब जब वो अकेला हो कोई अवयव, जब वाष्प में कोई अवयव अकेला है और वो दाब लगा रहा है तो वो उसका हो गया शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब। मैं केवल ए ही लेता और ए जितनी दाब लगाता वो होता है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब। और आंशिक वाष्पदाब क्या होता है, जब कई सारे अवयव हो तो कोई अवयव जितना दाब लगा रहा है वो उसका आंशिक वाष्पदाब है। सही है, तो ये कहना चाहता है बड़ी खतरनाक बात, राहुल के अनुसार किसी अवयव का आंशिक वाष्पदाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और मोल भिन्न उस अवयव की बिलियन में उपस्थित मोल भिन्न, या बिलियन है ना एक द्रव द्रव बिलियन, मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। मैं इसे और क्लियर करता हूं, माना एक बिलियन है आपके पास, ठीक है, और इस बिलियन में दो अवयव है, एक अवयव इस बिलियन में ए है और एक अवयव इस बिलियन में बी है, तो जो वाष्प है उस वाष्प में भी दो अवयव होंगे ए और बी, क्योंकि दोनों अवयव वाष्पशील हैं। बिलियन में दो अवयव हैं ए और बी, ए विलेय है, मेरे शब्दों को सुन लेना, ए विलेय है और बी विलायक है। माना बिलियन में दो अवयव हैं ए विलेय और बी विलायक, तो वाष्प में भी दोनों अवयव होंगे क्योंकि दोनों द्रव हमने जो लिए हैं वो कैसे लिए हैं, वाष्पशील लिए हैं। शुरू में कहा मैंने विलेय और विलायक दोनों द्रव हैं, दोनों वाष्पशील हैं। यहां भी बिलियन में दो द्रव हैं ए और बी, ए विलेय है बी विलायक है, दोनों वाष्पशील हैं, दोनों की वाष्प बनेगी, वाष्प में भी दोनों अवयव होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। अब ए का आंशिक वाष्पदाब जो होगा उसके लिए सिंबल दे देता हूं मैं पी ए, पी ए है ए का अवयव ए का आंशिक वाष्पदाब, किसके बराबर होगा राहुल के अनुसार, अवयव ए के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब। शुद्ध अवस्था मतलब समझ गए, जब मैं केवल ए ये लेता उस समय जो वाष्पदाब आता वो शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब। सिंबल पी नॉट ए, नॉट का मतलब शुद्ध अवस्था को इंगेज कर रहा है। एन टू इस अवयव की बिलियन में मोल भिन्न जितनी उपस्थित है उसका सिंबल दे देते हैं एक्स ए, इसको गुना को हटा करके डायरेक्ट लिख देता हूं, समझ गए होंगे। तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, इसका मतलब समझ गए, ए का आंशिक वाष्पदाब ए के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब व ए के बिलियन में उपस्थित मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर है। क्लियर, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। ऐसे ही हम पीवी भी लिख सकते हैं, बी का आंशिक वाष्पदाब क्या होगा, बी का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब जब भी कोई अकेला हो तब, और एन टू हो जाएगा एक्स बी, बी की बिलियन में उपस्थित तो मोल भिन्न, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा बी का आंशिक वाष्पदाब। समीकरण नंबर 2 कठिन है, ढंग से समझे, स्लो स्पीड में समझे, स्पीड को घटाओ। क्लियर, अच्छा बिलियन का वाष्पदाब क्या हुआ, बिलियन के वाष्पदाब के लिए सिंबल पी एस, बिलियन का वाष्पदाब हो जाएगा इन दोनों अवयवों के वाष्पदाबों के योग के बराबर, इन दोनों अवयवों के आंशिक वाष्पदाब के, वाष्प में दोनों ही अवयव तो हैं, तो बिलियन का वाष्पदाब तो दोनों अवयवों के आंशिक वाष्पदाबों के योग के बराबर होगा, तो बिलियन का वाष्पदाब हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। सब सिंबल क्लियर है, पी ए क्या है बताओ,
एका आंशिक बाष्प दाब। पीनोटे क्या है? एका शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब। एक्स ए क्या है? एक ही बिलियन में मोल भिन्न। पीवी क्या है? बी का आंशिक बाष्प दाब। पीनोट भी क्या है? बी का शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब। एक्स भी क्या है? बी की बिलियन में मोल भिन्न। पीएस क्या है? सॉल्यूशन बिलियन, बिलियन का वाष्प दाब, दोनों अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर। मैं पी और पीवी के मान समीकरण एक और दो से रख सकता हूं, एक समीकरण नॉन बन जाएगी, पीएस बराबर बन जाएगी। पीए का मान रख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए, और इसका रख देते हैं पीवी का प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर, इसको मिटा देता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। राहुल की बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताओ मुझे, मैं आगे बढ़ता हूं, आगे इधर करता हूं, इसको समीकरण नंबर तीन मान लेते हैं, चार मान लेते हैं। तो हमारे पास चार समीकरण आ चुकी हैं। इसमें मैं एक्सए का मान रख सकता हूं क्या? कभी मैंने बताया था बिलियन में जो अवयव होते हैं उनके मोल भिन्नों का योग एक होता है। आपको पता होगा एक्सए और एक्सबी का टोटल कितना आएगा? एक। याद है कि भूल गए? याद होगा, बिलियन में उपस्थित जो अवयव हैं उनके मोल भिन्नों का योग टोटल कितना आता है? एक आता है। तो मैं एक्से का मान रख सकता हूं, एक्से बराबर क्या हो जाएगा? वन माइनस एक्स बी। इस एक्से का मान मैं समीकरण चार में रख देता हूं, समीकरण नंबर चार में एक्स ए का मान रखने पर, समीकरण चार में एक्से का मान रखता हूं बेटा, रखो क्या आएगा? समीकरण बन जाएगी पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए, एक्स ए की जगह क्या रखने वाले हैं? वन माइनस एक्स बी रख दिया, प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, मैंने ये तो किया है, माना बिलियन में दो अवयव थे ए और बी, ए का आंशिक वाष्प दाब हो गया राउंड के अनुसार, बी का आंशिक वाष्प दाब हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो बिलियन का वाष्प दाब आ जाएगा। इसमें इनके मान रख दिए पी और पी बी के, और एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक होता है, तो एक्स ए का मान रख दिया मैंने वन माइनस एक्स बी, और इसको आगे सॉल्व कर दिया। मैं गुना कर देता हूं, क्या आता है? पी नॉट ए का अंदर गुना करो, क्या बनेगा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मुझे लगता है यहां से एक्स बी कॉमन आ सकता है, आ सकता है क्या? इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, पी एस बराबर पी नॉट ए प्लस के एक्स बी कॉमन ले रहा हूं, मतलब इसको आगे कर रहा हूं और इसको पीछे कर रहा हूं, तो मैं प्लस का एक्स बी कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। सही है क्या? गणित वाले स्टूडेंट बहुत जल्दी समझ गए। अरे इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरे को आगे और माइनस वाले को पीछे, तो मैं इसमें से एक्स बी कॉमन लूंगा प्लस के, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए तो आएगा। यह समीकरण नंबर बन गई पांच। सही है, तो हमारे पास टोटल पांच समीकरण बनी। द्रव द्रव बिलियन के लिए हम वाष्प दाब पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने राहुल के नियम की सहायता से पांच समीकरण तैयार कर लिए हैं। ये राहुल के नियम की सहायता से आया, ये दोनों राहुल के, ये राहुल के नियम की सहायता से आए, दोनों को जोड़ दिया, आगे सॉल्व कर दिया, इस तरह से हमने पांच समीकरण बना लिए हैं। अब समीकरण एक, समीकरण नंबर दो व समीकरण नंबर पांच से हम ग्राफ बनाएंगे। एक दो और पांच से ढंग से देख लो, समीकरण नंबर एक दिख रही है, यह समीकरण है वाई बराबर एम एक्स की,
या इसको एम मान लो, इसको एक्स मान लो, है वाई बराबर एम एक्स की समीकरण है ये, और ये भी वाई बराबर एम एक्स की समीकरण है, और वाई बराबर एम एक्स की समीकरण का ग्राफ ऐसा आता है स्ट्रेट लाइन। जो समीकरण एक और दो है वो वाई बराबर एम एक्स है, और वाई बराबर एम एक्स की समीकरण का ग्राफ ऐसा आता है स्ट्रेट लाइन जो मूल बिंदु से चालू होता है, और ये समीकरण है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। नहीं दिखा, वाई बराबर ये एम मान लो या इसको एम मान लो, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, और वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसा आता है इस तरह का। ये ग्राफ है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की समीकरण का, ये देखो इसी टाइप की है, और ये ग्राफ है वाई बराबर एम एक्स की समीकरण का। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो मूल बिंदु से चालू नहीं होता है, ऊपर से चालू होता है। क्लियर? तो आपके पास तीन समीकरण है, दो समीकरण है वाई बराबर एम एक्स की, और एक समीकरण है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की। तो इन तीनों समीकरण से ग्राफ तो तीन बनने चाहिए, पर हम तीनों ग्राफों को एक साथ बनाएंगे। भाई तीन समीकरण तीन ग्राफ बनने चाहिए, ग्राफ तो तीन ही बनेंगे पर एक साथ बनेंगे, कैसे बनेंगे देखो। ग्राफ को ढंग से देख लेना भाई, मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूं, देख लो ढंग से। यहां तो ले लिया मैंने मूल भिन्न, इस अक्ष पर तीन रेखा खींची है, इधर मूल भिन्न है इधर, ठीक है, और इन दोनों लाइनों पर ऊपर की ओर है वाष्प दाब, इस पर भी और इस पर भी, तो कुल टोटल तीन लाइन खींची, इन दोनों पर वाष्प दाब और इस पर क्या लिया है मूल भिन्न, सही है। यहां एक्सए का मान जीरो मान लेते हैं, तो एक्स बी का मान कितना होगा यहां पर एक, एक्स ए का मान जीरो तो एक्स बी का मान कितना एक, क्लियर। एक्स ए का मान जीरो तो एक्स बी का मान यहां पर एक, क्लियर। यहां पर जब एक्स ए जीरो है तो एक्स बी एक ही आएगा ना। अब ये एक्स ए भरते 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 इधर एक्स ए है एक ही मूल बिंदु, ये भरते भरते यहां पर एक्स ए का मान हो गया एक, एक्स बी कितना हो जाएगा यहां पर जीरो। क्लियर है क्या? ये बढ़ते बढ़ते जब एक्स एक हो जाएगा तो एक्स बी जीरो हो जाएगा। ग्राफ की पूरी तैयारी हो गई, ग्राफ को शॉर्ट में समझाता हूं जिससे पेपर में आए तो आप बना सकें। पेपर में ग्राफ ऐसे आता है वाष्प दाब और मोल भिन्नों के बीच में ग्राफ बनाइए द्रव द्रव विलयन के लिए, तो इस तरह का ग्राफ बनाना है। यहां तक की तैयारी ढंग से देख लो, ये दोनों अक्षों पे वाष्प दाब है, इस अक्ष पर कौन है मूल बिंदु, यहां पर एक्स ए का मान जीरो है तो एक्स बी का मान एक होगा, यहां एक्स ए का मान एक है तो एक्स बी का मान जीरो होगा। यहां तक क्लियर? तो बच्चों मैं अब आगे बढ़ने वाला हूं। बेटा जब यहां एक्स ए जीरो है, जब यहां एक्स ए जो जीरो है, ढंग से देखना, एक्स ए जीरो होने पर बड़े ध्यान से जब यहां एक्स ए जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, तो पी ए जीरो हो गया, हो जाएगा ना। अरे जब एक्स ए जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ना, है या नू समझ लो, जब यहां पर एक्स ए जीरो है, एक्स बी का मान एक है, तो PV का मान P नॉट V के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? PV का मान P नॉट V के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, हाँ दोबारा देख लो भाई, यहां दोनों तरफ वाष्प दाब है, यहां X भी जीरो मानो, तो मैंने टोटल तीन अक्ष लिए हैं, ये वाष्प दाब और ये मोल भिन्न। ग्राफ को दोबारा समझ लो, क्लियर समझ लो कैसे बनाए, कैसे बनाएंगे अपन, वाष्प दाब और यहां पर मोल भिन्न, यहां एक्स बी का मान जीरो माना
तो ये बढ़ते बढ़ते यहाँ एक्स भी हो गया एक, जब यहाँ एक्स भी जीरो है तो एक्स का मान एक है, यहाँ एक्स भी एक है तो एक्स भी जीरो है। इस तरह से तैयारी कर लो। अब इनके मान रखते हैं, सबसे पहले इस बिंदु के लिए समीकरण नंबर चार में रखो मान, जब एक्स बी का मान जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और एक्स ए का मान एक है तो बिलियन का वाष्प दाब पी नोट ए के बराबर आएगा, इतना आएगा, मान लो ये आ गया पी नोट ए। क्लियर? कैसे आया? इन दोनों के मान मैंने समीकरण नंबर चार में रखे, जब एक्स बी का मान जीरो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, एक्स ए का मान मैंने एक रखा तो पी एस बिलियन का वाष्प दाब ए के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के बराबर आ गया पी नोट ए। ये मान लो पी नोट ए, ये वाष्प दाब तो इधर को लगाऊंगा ना मैं, ये वाष्प दाब की तो है ही अक्ष। इसी तरह इधर जब एक्स बी का मान एक, इसका मान एक है, और एक्स ए का मान जीरो तो ये पूरा जीरो, तो पी एस पी नोट बी के बराबर आएगा। मैंने पी नोट भी थोड़ा ऊपर लगाया है इसका बिंदु, कारण भी विलायक है, विलायक ज्यादा होता है तो इसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, वाष्प भी ज्यादा बनेगी, वाष्प दाब भी इसका ज्यादा होता है, इसलिए ऊंचा लगाया है। अब आपको तीन ग्राफ मिल जाएंगे यहां पर, देखो कैसे, इस बिंदु को इससे मिलाया, इस बिंदु को इससे मिलाया, और ये आपस में मिला दिए, तो आपको तीन ग्राफ मिल गए। तीन समीकरण थी तो तीन समीकरण के तीन ग्राफ मिल गए, तीन समीकरण थी एक दो और पांच, तीनों के तीन ग्राफ। लड़का कह रहा है कौन सी समीकरण का कौन सा ग्राफ है ये तो बताओ, मैं देखते हैं बुद्धि लगाना। सबसे पहले इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ जो है या तो समीकरण एक का होगा या दो का होगा, क्योंकि ये है ग्राफ वाई बराबर एम एक्स का, स्ट्रेट लाइन है, बिंदु से चालू हो रहा है, ये ग्राफ भी मूल बिंदु से चालू हो रहा है, तो ये भी वाई बराबर एम एक्स का, तो ये तो समीकरण एक या दो में से एक के ग्राफ है। और ये ग्राफ देखो ढंग से, ये इस तरह का है, इसको तो पहचान गए होंगे, ये समीकरण नंबर पांच का ग्राफ है। पा गई का नहीं पाया? भी लिखते हैं, ढूंढते हैं ढंग से, और ढंग से ढूंढते हैं। देखो एक्स बी का मान यहाँ जीरो है, धीरे धीरे एक्स बी बढ़ते बढ़ते जब एक हो गया तो पी नोट बी ग्राफ आ गया, मुझे ये महसूस हो रहा है ये समीकरण दो का ग्राफ है। एक्स बी का मान प्रारंभ में जीरो, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब एक हो गया तो पी नोट बी का मान हमें पी नोट बी मिला, सही है ना? तो ये जो ग्राफ है समीकरण नंबर दो का है। मैं केवल समीकरण लिख रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हो, भले पूरा लिख लो, मैं केवल इतना लिख देता हूं, ये समीकरण नंबर दो का ग्राफ है। ये लिख रही पूरी समीकरण को लिख सकते थे यहां पर, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, ये समीकरण नंबर एक का ग्राफ है और ये समीकरण नंबर पांच का ग्राफ है। एक का क्यों है समझ गए होंगे, यहां पर एक्स का मान जीरो है, धीरे धीरे एक्स बढ़ते बढ़ते एक हो गया, पी नॉट बी आ जाएगा। क्लियर? ये दो ग्राफ है, एक का ये और ये बिलियन का ग्राफ है, ये समीकरण पांच का ग्राफ है। समीकरण पांच समीकरण चार से ही तो बनी है, तो हम कह सकते हैं ये समीकरण चार का भी ग्राफ है। तो हमें तीन ग्राफ मिल गए, ये समीकरण पांच, ये समीकरण चार का ग्राफ है। ठीक है, पेपर में आपसे कैसे पूछता है इसको भी समझ लो। देखो क्वेश्चन इस तरह से आता है इस टॉपिक पर, या तो वो कहता है द्रव द्रव बिलियन के लिए राउल का नियम समझाइए, ऐसी स्थिति में ये टॉपिक आपको पूरा समझाना पड़ेगा। कैसे समझाओगे? वही द्रव द्रव बिलियन के लिए राउल के नियम के अनुसार किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। फिर मानोगे, माना बिलियन में दो अवयव है ए और बी, इस तरह से पांच समीकरण बनाओगे और फिर ग्राफ बनाओगे, तब जाकर के लास्ट कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर, वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य ग्राफ बनवाए, तो आपको ये ग्राफ बनाना है, इसको याद होना चाहिए। एक दो और पांच की जगह पर समीकरण लिख देना, एक की जगह पर ये आ जाएगी, समझ गए, ये दो की जगह पर ये लिख देना और पांच की जगह पर, तो आपको इस ग्राफ को भी बनवा सकता है। कैसे कहेगा? द्रव द्रव बिलियन के लिए मोल भिन्न और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ बनाइए, मोल भिन्न और वाष्प दाब के मध्य एकमात्र ये ग्राफ है, तो इसको याद होना चाहिए, ये तीन ग्राफों का मिक्सर है। तो ढंग से देख लो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, फिर बड़ा हार्ड टॉपिक आया, अब आगे बढ़ते हैं।
ये द्रव द्रव बिलियन के लिए आपने बाष्प दाब पढ़ा, आप पढ़ते हैं, कठिन टॉपिक है, ढंग से समझ लेना भाई। ठोस द्रव बिलियन के लिए वाष्प दाब, ये दूसरे तरह का बिलियन आ गया, ठोस द्रव बिलियन के लिए वाष्प दाब। अब पढ़ेंगे ठोस द्रव बिलियन के लिए वाष्प दाब, क्लियर। इस बिलियन में भाई स्टूडेंट तुम समझ ही होंगे, बिले ठोस है और ठोस की वाष्प नहीं बनती, अवाष्पशील है, ठीक है। और द्रव ये विलायक है, वाष्पशील है, मतलब बिले ठोस है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील है, लिख देता हूं कहीं भूल जाएंगे, अवाष्पशील है। और विलायक द्रव है और कैसा है, वाष्पशील है। ऐसे बिलियन के लिए वाष्प दाब पढ़ना है जिसमें बिले ठोस जैसे नमक चीनी, विलायक द्रव जैसे पानी, और बिले कैसा है, अवाष्पशील, ठोस पदार्थ अवाष्पशील होते हैं, और विलायक कैसा है, वाष्पशील है, क्लियर। अब इसमें एक बात बताओ, वही मान लो बिलियन में दो अवयव हैं, बिलियन में तो दो अवयव हैं ए और बी, वही ए बिले है और बी विलायक है, माना बिलियन में दो अवयव हैं, वाष्प में केवल एक ही अवयव होगा, कौन सा अवयव होगा, केवल बी होगा, बी, क्योंकि ए तो अवाष्पशील है ना, इसकी तो वाष्प बनेगी नहीं, बिलियन तो अवाष्पशील है ना। तो यहां बताओ, यहां राहुल ये कहता है ऐसे बिलियन के लिए, ठोस द्रव बिलियन के लिए, जो बिलियन का वाष्प दाब होगा वो केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। हमने वहां पढ़ा था द्रव द्रव बिलियन के लिए समीकरण नंबर 3, बिलियन का वाष्प दाब पीएस बराबर आया था पीए प्लस पीबी। तो यहां बिलियन का वाष्प दाब जो अवयव बी है, जो विलायक है, उसके आंशिक वाष्प दाब के क्या आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि ए है ही नहीं, उसका वाष्प दाब है ही नहीं, यहाँ पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी नहीं होगा, ए का वाष्प दाब, ए का आंशिक वाष्प दाब कहां से होगा, ये तो है ही नहीं वाष्प में, सही है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, पी एस बराबर पी बी को लिख सकता हूं पी नॉट बी एक्स बी, राहुल का नियम याद है क्या, पहले बताया था उसने, किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था वाष्प दाब और मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, सही है। मैं एक्स बी के जगह पर 1 माइनस एक्स ए लिखना चाहता हूं, लिख सकता हूं क्या, क्योंकि हमें पता है चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी का टोटल कितना होता है एक, तो एक्स बी के बराबर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स ए, लिख सकता हूं क्या, तो लिखते हैं फिर पी एस बराबर, इस समीकरण से लिख रहा हूं पी एस बराबर पी नॉट बी, और एक्स बी की जगह पर क्या लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स ए। दोबारा देख लो, यहां बिलियन का वाष्प दाब विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा भाई, क्योंकि ए का आंशिक वाष्प दाब है ही नहीं, और इसको लिख सकता हूं पी एस को पी नॉट बी एक्स बी, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूं, गुणा कर देता हूं क्या आता है, पी एस बराबर P नॉट B गुना किया माइनस आ जाएगा P नॉट B X A, सही है। पक्षांतरण करके इसको मिटा देता हूं, इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं, इसको इधर और इसे इधर ले जाता हूं, ये माइनस में इसको पूरे को इधर ले जाता हूं और PS को इधर ले जाता हूं, क्या आ जाएगा P नॉट B X A, ये तो इधर आ गया और ये इधर, तो क्या हो जाएगा इधर को P नॉट B माइनस P S, सही है। अगर कोई लड़का इन ढंग से समझ रहा है तो X A बराबर क्या आएगा, X A बराबर आ जाएगा P नॉट B माइनस P S अपॉन P नॉट B,
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। ये क्या है? लड़के ने कहा पीएस बराबर पीबी तो है, तो ये पीएस जो है इसको मैं बोल सकता हूं बिलियन का वास्पदाब। मैं इसको चाहूंगा तो पीएस पीबी के बराबर है तो इसे बिलायक का वास्पदाब, बिलायक का आंशिक वास्पदाब भी तो कह सकता हूं। तो ये भी एक तरह से बिलायक का आंशिक वास्पदाब और ये है बिलायक का शुद्ध अवस्था में वास्पदाब। देखो कोई भी पदार्थ है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब ज्यादा होगा। भाई यहां पर क्या हो रहा है, ढंग से देखना, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो बिले है, बिलियन में दो अवयव है ए और बी, ए अवाष्पशील है तो ए अब अवाष्पशील है तो ये बी के कणों को ऊपर जाने में अवरोध पैदा करेगा। ए खुद नहीं उड़ रहा है पर बी के कणों को ऊपर नहीं जाने देगा तो बाष्प यहां कम बनेगी बिलियन में, ये बिलियन में, तो बिलियन में जब बाष्प कम बनेगी तो इसका बाष्प दाब कम आएगा। पीएस जो है ये है बिलायक का आंशिक बाष्प दाब जो बिलियन में होता है तो ये कम होगा। बिलायक का शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब ज्यादा होगा और बिलायक का बिलियन में जो आंशिक बास दाब है वो कम होगा। कम क्यों होगा इसका कारण समझ लो, फिर समझ लो बुद्धि लगा करके, क्योंकि यहां अवरोध पैदा कर रहा है कौन, ए, ए बाष्पशील है तो बी के कणों को ऊपर नहीं जाने देगा, बाष्प कम बनेगी, बाष्प दाब कम आएगा। जबकि शुद्ध अवस्था होती तो कोई अवरोध नहीं होता, तो विलायक का शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब कम, विलायक का सॉरी शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब ज्यादा और बिलियन में विलायक का बाष्प दाब क्या आता है कम। कम इसलिए आता है क्योंकि बिले के कण अवरोध पैदा करते हैं जिससे बिलायक की वाष्प कम बनती है। क्लियर, समझो, रटो नहीं कोई भी चीज को, रटो नहीं स्टूडेंट, समझने में फोकस करो, जितना समझोगे उतने फायदे में रहोगे। यहां तक क्लियर है? अच्छा तो इसको क्या बोलेंगे, ये है बिलायक के वाष्प दाब में होने वाले कमी। देखो भाई ये विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ये विलायक का बिलियन में वाष्प दाब है तो पीएस पीबी के बराबर, तो ये भी एक तरह से पीबी मान लो ना इसे, विलायक का बिलियन में वाष्प दाब है तो ये वाष्प दाब में कमी तो आई। भाई विलायक जब अकेला था वाष्प ज्यादा बढ़ रही थी, वाष्प दाब ज्यादा आ रहा था, अरे विलायक में जब तूने बिले मिला दिया ए तो वाष्प कम बन रही है, तो ये विलायक के वाष्प दाब में होने वाली कमी तो हुई। इसको बोलेंगे P नॉट B माइनस पी एस को बोलेंगे, ढंग से देख लो, विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, ये है P नॉट B माइनस पी एस, विलायक के वाष्प दाब में अवनमन। और ये इसमें जब P नॉट B का भाग लग गया तो इस पूरे को बोलेंगे हम, इस पूरे को बोलेंगे हम बाष्प, ये शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब का भाग लग गया ना, तो इसको बोलेंगे हम P नॉट B माइनस पी एस अपॉन P नॉट B को विलायक का शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब, इसको बोलेंगे विलायक का शुद्ध गलत बोल गया मैं, इसको बोलेंगे विलायक के बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यह है विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, जब कोई चीज का भाग लग गया, इसका भाग लग गया तो यह सापेक्ष अवनमन हो गया एक तरह से, तो इसको बोलेंगे विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ढंग से देख लो, अवनमन का मतलब कमी, तो P नॉट B माइनस पी एस है विलायक के वाष्प दाब में अवनमन और ये पूरा है विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो हमको एक बात और मिली, क्या मिली, राहुल के अनुसार ठोस द्रव बिलियन के लिए विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बिले के मोल अंश के, बिले के मोल भिन्न के समान होता है। तो ये भी बात राहुल ने नहीं कही है, राहुल ने नहीं समझाई है, कौन से बिलियन के लिए, ठोस द्रव बिलियन के लिए, राहुल ने नहीं समझाई है कि विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बिले के मूल अंश के बराबर होता है। क्लियर,
तो आपसे क्वेश्चन बना सकता है भाई वो स्टूडेंट किस तरह से। देखो रावले का पेपर में क्वेश्चन आता है, या तो ऐसा आता है कि द्रव द्रव बिलियन के लिए रावले का वाष्प, रावले का नियम समझाइए, तो उसमें पहले वाला समझाना है। ठोस द्रव बिलियन के लिए रावले का नियम पूरा समझाना है, ये तो सरल है। आना बिलियन में दो अवयव ए और बी है, ए वाष्पशील अवाष्पशील विलेय और बी विलायक है वाष्पशील, तो बिलियन का वाष्प समझ गए ना, पूरा समझा है इसको, इस तरह से समझाना है। और लास्ट में लिखना है फिर राउल के अनुसार विलायक के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। क्लियर? और अगर पेपर में ऐसे आ जाए कि केवल रावले का नियम समझाइए, अब उसने ये नहीं कहा कौन सा वाला, द्रव द्रव बिलियन वाला या ठोस द्रव बिलियन वाला, ऐसी स्थिति में लाला आप फंस जाओगे, आपको पूरा ही समझाना पड़ेगा। तो हमने स्टूडेंट रावले का नियम पढ़ा, बड़ी खतरनाक चीज, बड़े खतरनाक टॉपिक, इसमें खतरनाक ग्राफ भी आया। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक है अपना आदर्श बिलियन। क्लियर? इसको क्लियर कर लेना, नोट कर लेना भले ही। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आदर्श विलयन की। नाम से लग रहा है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन कौन होता है? वह विलयन होता है जो सभी तापों पर, मतलब किसी भी ताप पर, कोई विलयन है सभी तापों पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर, 50 पर, और सभी सांद्रताओं पर, मतलब उस विलयन की सांद्रता कितनी भी हो, रावले के नियम का पालन करता है। रावल के नियम का जो पालन करता है आदर्श विलयन, हम उस विलयन को कहेंगे जो सभी तापों पर, सभी सांद्रताओं पर, चाहे उस विलयन की सांद्रता कुछ भी हो, सब ताप कुछ भी हो, रावले के नियम का पालन करता है। मतलब उसमें जो विलेय है उसका वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, उस विलेय के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उस विलेय की मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। विलायक का वाष्प दाब, विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलायक की विलयन में उपस्थित मोल भिन्न के बराबर आना चाहिए, और पीएस बराबर आना चाहिए पीए प्लस पीवी। सीधी सी बात है, अगर कोई विलयन इन तीनों बातों को मान रहा है तो वो आदर्श विलयन है। ये तीनों बातें राहुल ने बताई है हमें, ए का वाष्प दाब इतना होगा, पी का आंशिक वाष्प दाब इतना होगा, विलयन का इतना होगा। यदि कोई विलयन सभी ताप पर, सभी सांद्रताओं पर रावले के नियम का पालन करता है तो वो आदर्श विलयन है। मतलब उस विलयन में उपस्थित ए का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, बी का वाष्प दाब इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों आंशिक वाष्प दाबों का योग विलयन के वाष्प दाब के बराबर आना चाहिए। क्लियर मेरी बात? अच्छा, जो आदर्श विलयन होता है बेटाओ, आदर्श विलयन में और भी कोई कई खूबियां होती हैं। ये तो क्लियर हो गई कि आदर्श विलयन जो है वह विलयन है जो सभी ताप व सांद्रताओं पर रावल के नियम का पालन करता है। अब आदर्श विलयन के गुण, पहला गुण, आदर्श विलयन का डेल्टा एच मिश्रण बराबर जीरो होता है। मतलब डेल्टा एच जीरो होता है आदर्श विलयन का। मिश्रण को लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, पर बात यह आई कि आदर्श विलयन का डेल्टा एच का मान जीरो होता है। डेल्टा एच जानते हो ना, एंथैल्पी परिवर्तन। नहीं आई समझ में, आएगी इंतजार, ढंग से समझना पर। देखो एक अभिक्रिया है, ए से बना बी, सही है, और ऊर्जा निकलेगी, ए की ऊर्जा 100 और बी की ऊर्जा 80, तो कितनी ऊर्जा निकली 20। तो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी परिवर्तन, उत्पाद की ऊर्जा में से क्रियाकारक की ऊर्जा घटा दो, 80 - 100 = -20। तो इस अभिक्रिया का डेल्टा एच -20 है। ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि देखो जब ए से बी बन रहा है तो ऊर्जा निकल रही है,
यदि किसी अभिक्रिया से ऊर्जा निष्कासित होती है तो वो ऊष्मा छेपी होती है। तो बेटा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया जो होती है उसका डेल्टा एच का मान, डेल्टा एच समझ गए, उत्पाद की ऊर्जा माइनस क्रियाकारक की ऊर्जा। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का डेल्टा एच नेगेटिव आता है और ऊष्मा शोषी का पॉजिटिव आता है। जैसे मान लो ये 100 से अभिक्रिया, ये ही आपके पर चेंज है, ए से बना बी, ये बी की ऊर्जा 120, तो माइनस बीस ही करोगे ना है? अरे ए की ऊर्जा बढ़ गई, क्या हुआ यहां पर? ऊर्जा अवशोषित ही तो हुई है, ए से बी बना ऊर्जा अवशोषित हुई है, 100 से 120 कैसे हो गई? ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यहाँ डेल्टा एच का मान निकालना, पॉजिटिव आएगा 120 माइनस 100 प्लस के लिए। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया जो होती है उसका डेल्टा एच नेगेटिव आता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का डेल्टा एच, उल्टा बोल गया मैं, सही बोल रहा हूँ, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का डेल्टा एच नेगेटिव, ऊष्मा शोषी का डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एच जीरो है यहाँ पर, तो मतलब कोई ना तो ऊर्जा उत्सर्जित ना ही ऊर्जा अवशोषित। मतलब जब आपने ये बिलियन बनाया आदर्श बिलियन, तो उस बिलियन में क्या खासियत है, इसके गुण क्या होंगे? जब आप आदर्श बिलियन में बनाओगे तो कैसे बनाओगे? विलायक में बिलय मिलाओगे ना, तो ना ऊर्जा उत्सर्जित होगी ना ऊर्जा अवशोषित होगी, जब ही तो डेल्टा एच का मान जीरो आएगा। डेल्टा एच जीरो इसका मतलब समझ गए, जब इस बिलियन को आप निर्मित करते हो तो ना ऊर्जा उत्सर्जित होती है ना ऊर्जा अवशोषित होती है। ये भी आदर्श बिलियन का गुण है। आदर्श बिलियन का गुण दूसरा, डेल्टा बी मिश्रण बराबर जीरो, ये है आयतन। मतलब डेल्टा बी मतलब आयतन का अंतर जीरो, इसका मतलब ये है कि जो बिलियन का आयतन है वो बराबर होगा विलेय और विलायक के आयतन के बराबर होगा, विलेय और विलायक के आयतन के टोटल। जैसे विलेय आपने लिया 10 लीटर, विलायक लिया आपने 20 लीटर, तो बिलियन बनेगा 30 लीटर। तो बिलियन बना 30 लीटर, विलेय लिया 10 लीटर, विलायक 30 लीटर, डेल्टा बी का मान जीरो ही तो है। डेल्टा बी का मतलब एक तरह से हो गया बिलियन का आयतन माइनस विलेय प्लस विलायक का आयतन, सही है? अरे बिलियन मतलब यार डेल्टा भी जीरो, बिलियन का अंतर जीरो, बिलियन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होगा, जब भी उसका डेल्टा भी जीरो आएगा। डेल्टा भी जीरो होता है आदर्श बिलियन का, मतलब बिलियन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। तीसरी बात, ढंग से सुन रहे हो ना और ढंग से समझ रहे हो, बात करते हैं, लाइक कमेंट जरूर कर लेना भाई, मैं रात को 11 बजे पच रहा हूं इस वीडियो बनाने में। बात करते हैं आदर्श बिलियन के गुण, और गुण की बात करें। देखो जब बिलियन बनाया तो कैसे बनाया, ये विलेय है, ये विलायक है, दोनों को मिक्स कर दिया तब जाकर के बना बिलियन। तो विलेय में विलेय के कणों के मध्य आकर्षण के बल होंगे, इन्हें बोल रहा हूं मैं विलेय विलेय आकर्षण बल। विलायक में विलायक के कणों के मध्य आकर्षण के बल होंगे, विलायक विलायक आकर्षण बल। और जब आप बिलियन बनाओगे तो नए आकर्षण के बल बन जाएंगे, विलेय विलायक आकर्षण बल, विलेय और विलायक के मध्य। तो आदर्श बिलियन में क्या होता है, विलेय विलेय आकर्षण बल विलायक विलायक आकर्षण बल के परिमाण का योग। मान लो इसका परिमाण 100, परिमाण मतलब मात्रा, इसकी मात्रा टोटल 200, तो इसमें कुल बल कितने होंगे 300। मतलब बल भी बराबर होंगे आकर्षण के, विलेय विलेय आकर्षण बल विलायक विलायक आकर्षण बलों का परिमाण किसके बराबर होगा, बिलियन में उपस्थित विलेय विलायक आकर्षण बल के परिमाण मात्रा के बराबर होगा। यह इसका तीसरा गुण है, मतलब परिमाण बराबर आएगा, किसका परिमाण बराबर आएगा, समझ गए? विलेय विलेय आकर्षण बल विलायक विलायक आकर्षण बल के परिमाण का योग, की मात्रा का योग किसके बराबर होगा, बिलियन में उपस्थित विलेय विलायक आकर्षण बलों के परिमाण के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स आपने आदर्श बिलियन पढ़ा, अब आदर्श बिलियन के कुछ उदाहरण भी बता देता हूं। आदर्श बिलियन के कुछ उदाहरण
यहाँ तक कोई समस्या? आदर्श विलयन कौन सा बताया मैंने? वह विलयन जो सभी ताप व सभी सांद्रताओं पर रावले के नियम का पालन करता है। क्लियर? आदर्श विलयन के गुण बताए, इसका डेल्टा एच जीरो होता है, अर्थात विलयन को जब बनाते हैं आदर्श विलयन को, तो न ऊर्जा उत्सर्जित होती है न ऊर्जा अवशोषित होती है। डेल्टा भी जीरो होता है, मतलब विलयन का आयतन विलय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। नंबर तीन, मैंने ये बताया कि विलय विलय आकर्षण बल व विलायक विलायक आकर्षण बल के परिमाणों का योग विलय में उपस्थित विलय विलायक आकर्षण बलों के परिमाणों के बराबर होता है। मतलब जितने आकर्षण के बल विलयन में होंगे उतने ही आकर्षण के बल विलय और विलायक में होते हैं, ठीक है ना? इसके उदाहरण, कई सारे उदाहरण मैंने नोट्स में दिए हैं, कुछ उदाहरण याद कर लो। इसके उदाहरण एग्जाम्पल आदर्श विलयन के, देखो मैथेनॉल और एथेनॉल का मिश्रण, मैं ऐसे लिख देता हूं समझ जाओगे, मैथेनॉल और एथेनॉल को मिलाओगे आप तो आदर्श विलयन बनेगा। मैथेनॉल और एथेनॉल का मिश्रण आदर्श विलयन होता है। कई एग्जाम्पल लिख रहे हैं यार, वन ब्रोमोब्यूटेन प्लस वन क्लोरोब्यूटेन, मतलब वन ब्रोमोब्यूटेन और वन क्लोरोब्यूटेन का मिश्रण, सही है। नंबर तीन, वन ब्रोमोबेंजीन व वन क्लोरोबेंजीन का मिश्रण, ये सभी शर्तों का सभी गुणों का पालन करता है, इन दोनों का मिश्रण। क्लियर? और कई एग्जाम्पल लिख रहे हैं उसमें, बेंजीन और टोलुइन का मिश्रण, और आप नोट्स में से याद करें, एग्जाम्पल सारे याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हमने वीडियो पढ़ी, इसमें देखा, आज हमने एक बढ़िया टॉपिक पढ़ा। पहले हमने द्रव द्रव विलयन के लिए बाष्प दाब पढ़ा, फिर ठोस द्रव विलयन के लिए, और फिर हमने लास्ट में आदर्श विलयन को समझा। आदर्श विलयन क्या है? तो आज का टॉपिक थोड़ा हार्ड था, पर आप वीडियो को ढंग से देखोगे तो समझ में आएगा। नोट्स पढ़ना, वीडियो देखने के बाद आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट? अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, वीडियो को आप कंप्लीट देखें।